कि कैसी मोटी कमाई करी जा सकती है, कैसा विड्रॉल ले सकते हो, टैक्सेस का क्या सीन है, घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के बता देते जी, 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 जी। बट मैं जो है ना सारी चीजें एग्जैक्टली बताऊंगा, जो एक्चुअल रिटर्न है ना, जो रियलिटी है उस पे बात करेंगे। अगर इतना अच्छा खासा रिटर्न होता है इन मशीनों में जी, जी, जी। तो बैंक अपना सारा पैसा लगा देता है। 6 महीने का ग्राफ देखते हो तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 6 महीने के अंदर, राइट। वो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स है, माइनिंग के ऊपर टैक्स नहीं है। बोलूंगा चलाऊंगा, माइनिंग करके दिखाऊंगा, संतुष्ट। जब आपको समझ में आ जाए ना, हाँ भाई मशीन पैसा बनाते, तब आप पेमेंट करो। कुछ भी नहीं करना, ये एक्चुअल है। इसका बस प्लस पॉइंट ही यही है। क्या बात? पैसे को पैसा समझो, अच्छी जगह लगाओ। भैया मैंने सुना है आप नोट छापने की मशीन दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसिक माइनर के बारे में, जिनसे आप बहुत मोटी कमाई कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसी मोटी कमाई करी जा सकती है, कैसा विड्रॉल ले सकते हो, टैक्सेस का क्या सीन है, एंड इन मशीन के लाइफ कितने होते हैं, वारंटी कितने होते हैं, प्राइसेस क्या क्या होते हैं, और मेक श्योर आप चला कैसे सकते हो। क्या बात है भाई, वीडियो में पूरा प्रॉपर बताने वाले किस तरीके से जो आप अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? थोड़ा सा हम डिटेल बात करेंगे कि इस मशीन में माइनिंग होती कैसे, क्या है ये मशीन, कितनी वारंटी, टेम्परेचर और सब को डिटेल में बात करेंगे। एंड लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्लेमर बता दूं ऑडियंस के लिए, जो कि जरूरी चीज़ है। ये जो मशीन है ना, ये मशीन थोड़ी बिजली ज़्यादा खाती है। अगर आपकी बिजली महंगी है, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो कि इसका मतलब आप माइनिंग करके कुछ खास ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी बिजली सस्ती है या फिर फ्री है, फ्री इन सेंस सोलर की बिजली है, ट्वेल की बिजली है, या फिर गांव में है, गांव में फ्री बिजली मिल जाती है, ऐसा कुछ जुगाड़ है, कोई गवर्नमेंट पर काम करता है तो उसको फ्री बिजली मिल जाती है, ऐसा कुछ जुगाड़ है, तो आप इन मशीन को लेकर प्रॉफिट कर सकते हो। जिनकी बिजली महंगी है वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ये जरूरी चीज़ है। क्या बात है सर, ये माइनिंग वगैरह क्या होता है उनको पहले समझा दीजिए, जिनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। अच्छा, क्या होता है कि इनके बारे में काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ मतलब घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, बट मैं जो है ना सारी चीज़ें एग्जैक्टली बताऊंगा, जो एक्चुअल रिटर्न है ना, जो रियलिटी है उस पे बात करेंगे। बिल्कुल। जो एक्चुअल रिटर्न है ना वही हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड हर मशीन का रिटर्न आप खुद गूगल पे चेक कर सकते हो। कुछ वेबसाइट है word2mine.com, इस पर आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भाई आप डाल देना। बिल्कुल। इसके अलावा नाइस हैस कैलकुलेटर, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन पर आप प्रॉफिट चेक कर सकते हो। एंड चलिए बात करते हैं जी सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, तो मशीन कौन सी रहने वाली है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर मैं दो मशीन रख रखी है, एक है 120 टेराहर्ज, ठीक है, जो कि 140 टेराहर्ज पे चलती है, एक है 90 टेराहर्ज। एंड 90 टेराहर्ज का अगर रिटर्न की बात की जाए आज के हिसाब से क्योंकि बिटकॉइन माइन करते हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन रहती है, तो बिटकॉइन का प्राइस अगर 56 लाख इंडियन रुपीज है तो ये मशीन 90 टेरस 11,000 रुपए देगी। ओके। इस मशीन का प्राइस है 95,000 रुपीज, ठीक है मोटा मोटा 12.5-13% का रिटर्न है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये है 120 टेरा है, S90 के प्रो का मॉडल नंबर है, ठीक है। एंड 140 टेरा हैस पे चलती है, 140 टेरा हैस पे अगर अगेन बिटकॉइन का प्राइस 56 लाख है, जो कि आसपास ही इसी के आसपास टाइम पे, इस पे ये 20,000 रुपए का रिटर्न देगी, 20,000 रुपीज एवरी मंथ। 20,000 एवरी मंथ, क्या बात है, 20,000 रुपए एवरी मंथ, बहुत ही। मतलब जो 15,000 कमाता होगा, जो पूरे महीने मेहनत करता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बस एक जगह लगा दो। एक तो इसके अंदर दो बस पावर केबल लगेंगे, ठीक है, के और यहाँ लगेगी इंटरनेट केबल, नेट केबल लगेगी, बस कुछ नहीं करना, बिटकॉइन बना देगी और 20,000 रुपए वर्थ जितना बिटकॉइन ये बना के देगी। अच्छा, जैसे हमने मशीन स्टार्ट कर ली, इसका प्राइस बता दे, तो प्राइस बता दो, 1,85,000। एक कैलकुलेशन और, वो है बिजली। बिजली की मैं पहले बात कर रहा था डिस्क्लेमर में, कि भाई बिजली को कैलकुलेशन आप लेके चलना। ये जो है 90 टेरेस लेगी 2200 यूनिट, 2,200 यूनिट, ठीक है, ये लेगी 1,500 यूनिट, ये बिजली थोड़ी कम लेती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, अगर बिजली सस्ती है तो भी प्रॉफिट है। तो देखो वीडियो में कोई ये सब चीजें नहीं बताता कि कितनी यूनिट लेती है, लेकिन सर ये चीज भी बता रहे हैं यहाँ पे, क्लियर कर रहे हैं। देखो एक्चुअली है क्या जी, अगर आप ये सोच रहे हो 3-4 गुना पैसा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अगर इतना अच्छा खासा रिटर्न होता है इन मशीनों में जी, जी, जी। तो बैंक अपना सारा पैसा लगा देता है। बिल्कुल, बैंक बिल्कुल। के पास पैसे कमी थोड़ी ना है जी सर, बिल्कुल। तो ये चीज है, रिटर्न है, लेकिन बिजली अगर आपकी सस्ती है तो, हाँ जी, तो ये है। तो सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटकॉइन कॉइन की, तो मतलब यहाँ पे इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, आगे जाके क्या इसका मतलब प्राइस वगैरह बढ़ने वाला है? बिटकॉइन का प्राइस बढ़ी रहा है, अगर आप लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखते हो तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 6 महीने के अंदर, तो थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाएगा बिटकॉइन का। बट मेनली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी हद तक किसी के आसपास चलने वाला है। क्या बात, फ्यूचर की अगर बात करोगे, फ्यूचर क्या होता है कि यार मैंने आज मशीन ले ली,
दो साल बाद, छह महीने बाद, एक साल बाद कहीं प्रॉफिट खत्म ही ना हो जाए जी, तो ऐसा होगा नहीं। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से, बट खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हाँ, बिटकॉइन के अलावा और भी कॉइन है वो माइन कर सकते हो इससे, तो प्रॉफिट काफी हद तक इसी के सिमिलर चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सर जैसे इसमें माइन वगैरह कर लिया किसी ने, तो इसको सेल वगैरह कहाँ पे करते हैं वो सारी चीजें बता दीजिए। हाँ, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये बिटकॉइन करेंसी को माइन करेगा, बिटकॉइन करेंसी आपके पास आ जाएंगे, आप उसे वॉलेट में लोगे। ठीक है, एक वॉलेट आपको बनाना पड़ेगा जिस पर आप ट्रेडिंग करते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइन सचकुबेर हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, और भी काफ़ी सारे एक्सचेंजर हैं, उन पर आप अपना अकाउंट बनाइए, नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी, बैंक डिटेल, और फिर KYC होती है, उसके बाद ये मशीन उससे कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पर आपको सारा बिटकॉइन मिल जाएगा। वहाँ पर आप सेल करके अपना विड्रॉल अपने अकाउंट में ले सकते हो। मेक श्योर, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी पर तो 30% टैक्स है, राइट? वो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स है, माइनिंग के ऊपर टैक्स नहीं है। क्या तो बात है? ये मैं आपको बता दूँ, अभी माइनिंग के ऊपर टैक्स नहीं है। और बाकी सर, जैसे कोई घर बैठे मशीन को मंगवाना चाहता है तो आप भेज देते हैं क्या? अच्छा, जो लोग घर बैठे मशीन को मंगवाना चाहते हैं उनको बता दो, हमारे पास EMI का भी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, और इसके अलावा आप मिलके भी ले सकते हैं, बस रेडी स्टॉक है, कोई टोकन मनी नहीं, कोई बुकिंग अमाउंट नहीं, आप खड़े पैर आओ, हैंड टू हैंड मशीन ले जाओ, हमारे पास 120 टेरस, 90 टेरस रेडी स्टॉक मिलने वाले हैं, आप कहीं से भी आके ले सकते हो, प्लस शिपिंग भी करा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी का तो ऑप्शन है ही हमारे पास। क्या बात है, ये सारी फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है, बाकी यहाँ पे आप आकर के भी लेके जा सकते हैं, आगे ले सकते हो, COD वगैरह भी दे रहे हैं। हाँ, COD है, प्लस खड़े पैर लो, कोई टोकन मनी नहीं, आप आओ, आपके सामने सील पैक माइनर खोलूंगा, चलाऊंगा, माइनिंग करके दिखाऊंगा, संतुष्ट, जब आपको समझ में आ जाए ना, हाँ भाई ये मशीन पैसा बनाते हैं, तब आप पेमेंट करो। और देखो, मेरा काम क्या है ना, जो भी एक्चुअल रियलिटी है मैं वही कह के बेचता हूँ। जी जी जी। मैं दो पैसे महंगा बेच लूंगा, बिल्कुल, लेकिन गलत सामान नहीं बेचूंगा कुछ भी, ना कोई पुराने को नया करके बेचूंगा, ना कोई सपोर्ट में दिक्कत आएगी, कभी भी कॉल कर लो, कई बार क्या होता है वीडियो कॉल पर आगे देखना पड़ता है भाई प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो मशीन है ना यार, इतना भी आसान नहीं है यार पैसा बनाना कि आपने लगाया और सीधा चल गई, थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ जाती है, और वो मेहनत हमारी ही होती है, क्योंकि हमें वीडियो कॉल पर आगे देखना होता है, बिल्कुल क्या दिक्कत है। बाकी सर, जैसे कोई मशीन परचेज करता है तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की क्या फैसिलिटी रहती है अपने पास? यार देखो, ट्रेनिंग की तो ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है इसमें। हाँ हाँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लगाना है और चलाना है बस। ठीक है, बिटकॉइन आएगा, आप सेल कर दो, पैसा आपके अकाउंट में। मतलब जैसे कोई जॉब वगैरह कर रहा है, ऐसा पार्ट टाइम करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, इसमें बहुत अच्छी चीज पता है क्या है जी, इसे आप अच्छी जगह लगा दो और फिर चला के छोड़ दो बस, आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक्चुअल है, इसका बस प्लस पॉइंट यही है। क्या बात है कि इसे इसमें कुछ नहीं करना, मतलब वहाँ पे बैठना भी नहीं है मशीन के पास, कुछ नहीं करना आपको, आपको सारा एक्सेस आपके फोन पे मिल जाएगा। ठीक है, और देखो फिर भी मैं कहूँगा, अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप आके भी पूछ सकते हो, आपके सामने मशीन चला देंगे, आप देख सकते हो, फिर भी कुछ छोटे मोटे डाउट रहते लोगों के, तो देखो यार ये चार पंखे है, दो आगे दो पीछे जी, एक साइड से हवा आते, एक साइड से निकलती है बिल्कुल, ये इसके ठंडे करने के लिए रखते हैं, अलग से AC की जरूरत नहीं है आपको इसे ठंडा करने के लिए, और ये पंखे कुछ ज्यादा आवाज नहीं करते, कूलर जितनी आवाज होती है, एक साल की वारंटी होती है हर मशीन के ऊपर। ठीक है, एक साल की वारंटी, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आपको हमारे पास लेके आना है, एक साल की वारंटी भी मिलने वाली है। हाँ, एक साल की वारंटी मिलने वाली है, ऑफिशियल वारंटी हमारी तरफ से रहने वाली है, उसमें कुछ भी खराब होगा तो आप शिप कर दो, शिप भी करने की जरूरत नहीं, पिक करा लेते हैं, पैकिंग फ्री रहते हैं। क्या बात है, ठीक है, और पास में हो तो आप दे जाओ, कुछ छोटा मोटा दिक्कत होगा पंखा सॉफ्टवेयर या कोई और, तो वो तो हैंड टू हैंड एक से दो दिन में करके दे देंगे, कोई बड़ा इशू है तो उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं। बाकी सर, लाइफ की बात करें तो इन मशीनों की लाइफ क्या रहती है? ऑलमोस्ट मतलब 4-5 साल, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की 4-5 साल की लाइफ रहती है, तो चलने को वो लाइफ है, चलने को 7-8 साल भी चल जाते हैं। जी जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। सर, जो वीडियो देख रहे हैं उनको और क्या बताना चाहोगे मशीन के बारे में, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा, पैसे को पैसा समझो, अच्छी जगह लगाओ, अच्छे से कैलकुलेशन करके लगाओ, बिजनेस बुरा नहीं है जी, बढ़िया है, लेकिन आपको बिजली सस्ती होनी चाहिए जी, और हमारे पास माइनर मिल जाएंगे रेडी स्टॉक, और सर्विस में कोई कमी नहीं आएगी। क्या बात है, मैं वही कहूंगा, मैं दो पैसा महंगा बेचना पसंद करता हूँ, लेकिन ना गलत माल बेचूंगा, ना नए को पुराना करके बेचूंगा, और सर्विस में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब आपको यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसा नहीं मिलेगा मशीन सेल कर दी उसके बाद कॉल नहीं पिक कर रहे, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, और मैं कहूंगा अगर किसी को वेरीफाई करना हो ना, हमारी वेबसाइट का नाम है TechPiece7, आप यूट्यूब पे TechPiece7 रिव्यू लिख दो। क्या बात है, कस्टमर के इतने सारे पीसों के ऊपर इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको, कमेंट पढ़ लेना, क्योंकि उसमें हमारी मास्टर एक तरह से कंप्यूटर में, तो आप
आपको पता चल जाएगा हमारे किस तरह का काम है। जी 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 हाँ, बाकी दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं सर, एक बार एड्रेस वगैरह बता दीजिए कोई आना चाहता है तो। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ग्रेटर नोएडा 218 सेक्टर 36 हमारा एड्रेस है। बाकी हमारी सेल्स टीम का नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, जिस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप माइनर के बारे में डिटेल जान सकते हो कुछ भी। इसके अलावा और भी माइनर आते हैं जो बाकी करेंसी को माइन करते हैं, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो, उनका रेट ले सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कैश तो माइनर बट वो नहीं खरीदने चाहिए, क्यों नहीं खरीदने चाहिए वो हमारे सेल्स टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड कोई और माइनर चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा। एंड ये तो माइनर हमारे पास रेडी स्टॉक रहते हैं, ये तो करके खेत है, जितने चाहिए उतने ले लो। सपोर्ट सर्विस बिल्कुल एक नंबर होने वाली है, एंड कैश ऑन डिलीवरी, ईएमआई एंड ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब कुछ डाउट रहेगा तो हमारे सेल्स टीम को आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहती है, अगर आपको माइनर के बारे में और जानना है और मॉडल के बारे में तो कमेंट कर दो कि भाई ऐसी वीडियो और चाहिए, तो भैया बना देंगे। बिल्कुल, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया था सर के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है डीपली बात करेंगे। बिल्कुल राइट, ये तो थोड़ा ओवरव्यू हो गया। बिल्कुल, बाकी थैंक यू गाइज आपने इस वीडियो को देखा। अब ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगर ऐसी वीडियो जैसी चैनल पर डले मिल जाए आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।